स्टॉक मार्केट 30% तक गिरने वाला है, मतलब आपके म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बैंड बजने वाली है। दिस इज फाइनेंशियल न्यूज ऑफ द डे पार्ट 26 विद हिमानी। पिछले साल मुझे लगता है हर नल्ले छल्ले इंसान ने प्रॉफिट कमाया है और अब टाइम आ गया है एक मार्केट करेक्शन का। ये मैं नहीं बोल रही, ना भगवान माफ करे, ये बोल रहा है जेपी मॉर्गन। अकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन द स्टॉक मार्केट कुड सी अ डिप ऑफ 30% आफ्टर हिटिंग अ सिग्निफिकेंट हाई इन 2024 एंड दीज आर द थ्री रीजंस व्हाई दिस कैन हैपन। फर्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमी का हाल देख के लोगों का डर बढ़ गया है एंड दे थिंक दैट द रिस्क इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग। सेकेंडली, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स है ना, वो लोगों ने इतने बाय कर लिए हैं कि उनके प्राइस अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इन ब्लोटेड वैल्यूज पे अब कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। एंड थर्ड, कंपनीज की हालत उतनी ही खराब हो गई है जितनी 2007-08 के क्राइसिस के टाइम पे हुई थी। बट ICICI तो कह रहा है कि इलेक्शन तक मार्केट गिर सकती है और उसके बाद इट विल इंक्रीज लाइक नोबडीज बिजनेस। तो आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताओ, ये न्यूज सबके साथ शेयर करो और ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉलो योर गर्ल हिमानी।